हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटर पोहा की रेसिपी। ये पोहा की रेसिपी बाकी पोहा से बिल्कुल भी अलग है और स्वाद ऐसा ही कि जो भी खाएगा उसे भूल नहीं पाएगा। तो चलिए आज खास पोहा की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोहा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पोहा। यहाँ पर हमने 2 कटोरी पोहा लिया हुआ है। आप मोटा ही पोहा का यूज़ कीजिएगा, उससे पोहा मटर की पोहा की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। ये यहाँ पे एकदम फ्रेश पोहा है। अब इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पोहा को 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा, बिल्कुल ड्राई कर दिया है। तो अब हम चलिए दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दूसरे प्रोसेस में हम यहाँ पे लेंगे कढ़ाई और मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को हम होने देंगे अच्छे से गरम। जैसे ही हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी, हम उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे मीडियम फ्लेम। जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही हमारा चटकने लगेगा, हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा था, पोहा में आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे, हम उसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हम यहाँ पे गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे लो फ्लेम पे। तो जैसे ही प्याज का हमारा कलर गोल्डन हो जाएगा, हम यहाँ पे डालेंगे 1 बारीक मीडियम साइज का कटा हुआ आलू। आप बॉयल आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कच्चे आलू का ही यूज़ किया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेंगे। जैसे ही हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी मटर। फ्रेश हरी मटर का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम भूनते रहेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट अनुसार नमक। नमक डालने से ये चीज़ें बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। पोहा में उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। तो फ्रेंड्स, लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, पोहा डालने के बाद नमक और हल्दी ऐड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पहले ही ऐड करना है, तभी हमारे पोहे में एक बराबर नमक और हल्दी की क्वांटिटी रहेगी। तो अब इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आलू भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है और मटर भी हमारा अच्छे से गल गया है। हम एक बार इसे चेक कर लेंगे कि आलू हमारा अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैश हो रहा है। तो बस अब इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का जूस। इससे इसकी खटास की फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी। पोहा में आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भिगोया हुआ पोहा। आप देख सकते हैं पोहा हमारा स्टिकी नहीं हुआ है, एकदम खिला खिला पोहा है। तो अब इसे ऐड करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, कलर भी बहुत प्यारा आया है। उसके बाद हम लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारी इंस्टेंट रेसिपी बनकर रेडी हो गई। इससे पहले कि हमारी रेसिपी ठंडी हो जाए, चलिए फटाफट इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो गई। इसे आप ब्रेकफास्ट या चाय के साथ भी यूज़ कर ले सकते हैं और इसे आप लंच में भी ले सकते हैं। हल्का फुल्की जब भी आपको भूख लगी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।